नमस्कार लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर किया कटाक्ष, बोले हर क्षेत्र में हुआ है विकास फिर भी लोगों को नहीं दिखता। तेजस्वी संघ पटना पहुंचे, लालू यादव से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में जातिगत गणना के खिलाफ दायर याचिका खारिज, पटना हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। राजद के प्रदेश पदाधिकारी की तीसरी लिस्ट में 99 महासचिव और 98 सचिव के नाम शामिल। सुशील मोदी बोले अब लालू यादव का दौर खत्म हो गया है, सेहत पर ध्यान दें। नीतीश के खास रहे अजय आलोक बीजेपी में शामिल। जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष को पटना में लगने लगा है डर, जान से मारने की मिली धमकी। बाबा बागेश्वर को तेज प्रताप की चेतावनी, कहा हिंदू मुस्लिम की तो लौटना होगा वापस। कटिहार में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या, अशोक चौधरी बोले आनंद मोहन की सियासी बिसात से डरी हुई है भाजपा। अब खबरें विस्तार से। सिविल सेवा दिवस के मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हर क्षेत्र में काम हुआ है। गरीबी के कारण लोग बेटियों को पढ़ाने के मूड में नहीं थे, उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। साथ ही इसके लिए पोशाक, छात्रवृत्ति और साइकिल जैसे योजनाओं पर काम किया। साइकिल जैसे योजना तो पूरे देश में कहीं नहीं था। उसके 3 साल बाद ही लड़के लोग भी बोलने लगे, तो हम लोगों ने उस पर भी काम किया है। साथ ही काम इतना हुआ कि साइकिल योजना को देखने के लिए लोग विदेश से भी आ गए और इसको लेकर खूब प्रशंसा भी की। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस पर काम किया है। साथ ही बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो लोग तो सिर्फ प्रचार करते हैं, दिखाते हैं कि सिर्फ वही लोग काम करते हैं। इस दौरान वही उपस्थित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो आप लोगों ने किया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच गए हैं। 9 महीने के बाद लालू यादव पटना लौटे हैं और साथ ही सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार बिहार आए। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीशा भारती और छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। लालू के बिहार लौटने से आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच बेहद ही उत्साह है और साथ ही पार्टी के सभी नेता लालू यादव के बिहार लौटने से काफी ज्यादा खुश है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरान राबड़ी आवास पर लालू यादव से मिलने भी पहुंचे। बता दें कि लालू यादव सिंगापुर से लौटने के बाद डॉक्टर की देखरेख में दिल्ली थे। सिंगापुर से लौटकर लालू यादव अपनी राज्यसभा सांसद बेटी मीशा भारती की आवाज पर रह रहे थे। बिहार में हो रही जातीय गणना पर रोक की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दायर याचिका को खारिज करते हुए पटना हाई कोर्ट में जाने की सलाह दी। साथ ही कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को इस मामले में याचिका सुनकर 3 दिन में अंतरिम आदेश देने को कहा। अब इस मामले में 1 मई को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि बिहार में 7 जनवरी से जातीय गणना शुरू हुई थी और 15 अप्रैल से इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही इसके खिलाफ 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। राजद ने अपने प्रदेश पदाधिकारियों की तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें प्रदेश के महासचिव और सचिव का नाम है। इसमें 1 उपाध्यक्ष और 1 प्रवक्ता का भी नाम जोड़ा गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद शफीक खान को प्रदेश उपाध्यक्ष और ऋषि मिश्रा को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है और इसके अलावा 99 प्रदेश महासचिव और 98 प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। इस लिस्ट में लगभग हर जाति को शांत कर चलने का प्रयास किया गया है। तो वहीं राजद का ये फेरबदल 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है, जिससे जातीय समीकरण ना बिगड़े। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव के पटना पहुंचने के पहले 2 सूची जारी की गई थी। पहली सूची में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए थे तो वहीं दूसरी सूची में प्रवक्ताओं के नाम थे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव के पटना लौटने की बात पर शुक्रवार को तंज कसा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू यादव का दौर अब खत्म हो गया है, अब वो अपनी सेहत पर ध्यान दें और साथ ही उन्हें आराम करने की जरूरत है। जान है तो जहान है। एक दौर था जब लालू यादव का प्रभाव था, 150 सीट जीता करते थे, अब वो दौर खत्म हो गया है। आगे सुशील मोदी ने कहा कि जब लालू यादव 2010 में स्वस्थ थे और घूम घूम कर प्रचार कर रहे थे तो उस समय 24 सीट पर सिमट गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो 1 भी सीट नहीं जीत पाए थे। तो वहीं उन्होंने कहा कि अभी लालू यादव अस्वस्थ है, इसलिए लोगों से मिलने जुलने में सावधानी नहीं बरतेंगे तो खतरा बढ़ सकता है। साथ ही कहा कि हमारी सहानुभूति उनके साथ है, राजनीति अपनी जगह पर है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे। जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में शुक्रवार को बीजेपी दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका बीजेपी में स्वागत किया। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास रहे अजय आलोक को
जेडीयू ने पिछले साल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का समर्थन करने की वजह से निष्कासित कर दिया था, तो वहीं इसके बाद से वो नीतीश के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अजय आलोक ने पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों की खूब तारीफ भी की, साथ ही कहा कि अब लग रहा है कि वो अपने परिवार में आ गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग नीतीश कुमार को पलटी मार कहते हैं, साथ ही वो बिल्कुल सही कहते हैं, नीतीश कुमार स्वभाव से ही ऐसे हैं। पूर्व विधायक और जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी शिकायत दर्ज करवाने ललन पासवान हवाई अड्डा थाने पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि उन्हें पटना में डर लगने लगा है, अगर यही हाल रहा तो पटना छोड़कर भागना पड़ेगा। ललन पासवान ने बताया कि कौटिल्य नगर में उनके घर के पास देर रात तक असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है, इसकी शिकायत करने पर पुलिस अफसर सुनते नहीं है और ना ही कोई रिस्पॉन्स देते हैं, जबकि आपको बता दें कि अपराधी मकान बेचकर यहां से वापस अपने घर सासाराम जाने को कहते हैं। ललन पासवान ने कहा कि जब हम जैसे जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने चेतावनी दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन यहां वो हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करेंगे तो उन्हें वापस लौटना होगा और इसके साथ ही हम पटना एयरपोर्ट का घेराव भी करेंगे। वहीं इस मामले में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए, अफसोस की बात ये है कि वह बाहर है। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में 13 मई से 17 मई तक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाएंगे और साथ ही पटना से 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर के तेरत गाँव में धार्मिक आयोजन भी होगा। कटिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के नेता कैलाश महतो की अज्ञात बदमाशों ने बीच बाजार गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने कैलाश महतो के ऊपर आधा दर्जन से अधिक फायर किया और साथ ही आपको बता दें कि इसमें 3 गोलियां उन्हें लगी है और यह वारदात बरारी थाना क्षेत्र के पोखर टोला की है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, तो वहीं इस मामले में पुलिस ने बदमाशों की पहचान और साथ ही धरपकड़ की कवायद तेज कर दी है। बता दें कि कैलाश महतो इस समय कटिहार जेडीयू के जिला कार्यकारिणी सदस्य में थे, इसके अलावा वो जिले में अपने समाज के मुखर और साथ ही प्रखर नेता रूप में भी जाने जाते थे। पूर्व सांसद आनंद मोहन के रिहाई से बीजेपी का दौरा हाय तौबा मचाने पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी आनंद मोहन की सियासी बिसात से डरी हुई है। साथ ही बता दें कि आनंद मोहन 2 बार सांसद रह चुके हैं और उनकी पत्नी सांसद और विधायक रही है, बेटा चेतन आनंद विधायक है। साथ ही अशोक चौधरी ने कहा कि आनंद मोहन की जगह कोई और होता तो कोई नोटिस नहीं लेता और जो लोग छूटे हैं उन पर कोई सवाल नहीं हो रहा होता। इस दौरान अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार के पास अधिकार है, पहली बार राज्य सरकार ने यह प्रावधान नहीं किया है, देश के अन्य राज्यों में इस तरह के प्रावधान नहीं है, इस कानून के तहत कितने दलित पिछड़े और साथ ही गरीब भी छोड़े गए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।